अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ इस बेल आइकन को दबाएं कि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, किन लोगों के वेरिफिकेशन हो रहे हैं, अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से कंप्यूटर से उसे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं। हाय गाइस, दिस इज बबलू राघव एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल राघव यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये मैंने आज से 15 दिन पहले बनाया था नगर निगम में, यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहे थे। और जो वेरिफिकेशन हो रहे थे वो मैं आपके लिए बताऊँ किन लोगों के लिए वेरिफिकेशन हो रहे थे। जिन्होंने आज से 8 या 9 महीने पहले करीब फॉर्म भरा था वो इस टाइप से फॉर्म था, ये प्रदेश वाली साइड से फॉर्म था, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलग था। तो मैं आपके लिए बताऊँ कि अब आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल से किस तरीके से अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे लिखना है PMAY MIS, और इसके बाद आपको एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद आपको जो पहली जो वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पॉपअप जो मैसेज खुल जाता है तो आप इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिटीजन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। ये 2 ऑप्शन जो है ये फॉर्म भरने के हैं, यहाँ पे जो है फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जनसेवा केंद्र पे जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पे एडिट का है और यहाँ पे प्रिंट का है और यहाँ पे है ट्रैक करने का। तो आपको ट्रैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो पहला है नेम द्वारा, आप नेम द्वारा भी अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी नेम और आपका जो नाम है जिस नाम से फॉर्म भरा है, और फादर नेम और आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। और जो दूसरा है वो मैं आपके लिए बताऊं, दूसरे वाले में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा नहीं है दूसरे का है, मैंने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी और मोबाइल नंबर लिख रखा है। तो जैसे ही मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आपको जो है OTP नंबर डालना है। OTP के बाद जैसे ही आप सो पे क्लिक करेंगे आपको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है या कैंसिल हो गया है, पूरी डिटेल आपके लिए मिल जाएगी। अगर आप लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो जैसे मुझे जानकारी है इस बारे में कि कम से कम 2 महीने बाद जो है लिस्ट आएगी। अब ये जो वेरिफिकेशन हो रहे हैं ज़्यादातर नगर निगम में वेरिफिकेशन हो रहे हैं, या आपके घर पे भी आ सकते हैं। इसके बारे में कि फॉर्म किस टाइप से भरा जाएगा, कितना पैसा मिलेगा, किन किन लोगों के लिए है ये फॉर्म, तो इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पर सारी वीडियो डाल रखी है, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आप जैसे अगर इस वीडियो को भी देख लीजिए कि वेरिफिकेशन किस टाइप से होते हैं, तो यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका जो फॉर्म है उसका जो प्रिंट है आप उसे संभाल के रखें क्योंकि वही प्रिंट एंड तक काम आता है। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।